नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितिन सक्सेना है और आप सभी का मेरे चैनल अकाउंटिंग एंड टैक्सेस क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से आपके DSC डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट रजिस्टर ऑफ कंपनीज की साइट MCA 21 पे किस तरह रजिस्टर्ड करते हैं इसकी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, मेरे इस वीडियो को अंत तक देखें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। गूगल क्रोम पे टाइप करिए www.mca.gov.in। ये देखिए, मैंने टाइप कर दिया, ये साइट ओपन हो गई है। साइट ओपन है, MCA सर्विसेज पे जाना है, एसोसिएट DSC। ये देखिए हो गया है सेलेक्ट। जिसके भी आप DSC रजिस्टर करना चाहें, डायरेक्टर के, मैनेजर, सेक्रेटरी के, प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल्स के, या ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव या नोडल ऑफिसर, जिसके भी आप DSC रजिस्टर करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं। मेरे को डायरेक्टर के करने हैं इसलिए मैं डायरेक्टर को सेलेक्ट करूँगा। ये देखिए, मैंने सेलेक्ट कर लिया डायरेक्टर को। ये देखिए, विंडो ओपन होगी, इसमें डिन पूछ रहा है। जो भी डायरेक्टर का डिन नंबर है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो आप यहाँ पे डालिएगा। ये देखिए, मैं गिर रहा हूँ। फर्स्ट नेम जो भी है डायरेक्टर का, ये देखिए कन्फर्मेशन रिजल्ट आता है कि वी हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड योर DSC। ये आपको मैसेज देता है कि आपके DSC पहले से रजिस्टर्ड हैं। यदि आपके DSC पहले से रजिस्टर्ड हैं तो आप रजिस्टर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये अपडेट करना चाह रहे हैं तो इस पर यस कर दीजिए। मैंने यस कर दिया, मैं अपडेट करना चाह रहा हूँ। फर्स्ट नेम में नाम गेरी डायरेक्टर का जो भी है, ये मैंने नाम गेर दिया। मिडिल नेम कुछ है तो गेर सकते हैं। लास्ट नेम जो भी है वो लास्ट नेम गेर सकते हैं, मैं लास्ट नेम गेर रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ जो भी आप डाल दीजिए। फादर्स फर्स्ट नेम, फादर्स मिडिल नेम यदि कुछ है, ये देखिए फादर्स लास्ट नेम। ये देखिए दोस्तों, मैंने डाल दी है सब चीज। इसके बाद नेक्स्ट करिए। ये देखिए ओपन हो गया डिटेल सारी। एक बार चेक कर लीजिए, टिन नंबर, डायरेक्टर्स का नाम, डेट ऑफ बर्थ, डायरेक्टर फादर्स नेम, ईमेल आईडी देना ज़रूरी है। जो भी ईमेल आईडी आपकी, ईमेल आईडी डालिए इसमें। फिर डिक्लेरेशन पे सेलेक्ट करिए। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया सेलेक्ट सर्टिफिकेट। यहाँ देखिए दोस्तों, DSC लगाने से पहले कि आपने टोकन अपने सिस्टम में लगा रखे हैं या नहीं। ये देखिए, मैंने लगा दिए, सेलेक्ट सर्टिफिकेट कीजिए। ये देखिए ओपन हो गया है। जो भी डायरेक्टर का नाम है उसी नाम से DSC होंगे। साइन करिए, पासवर्ड गिरिए डायरेक्ट टोकन का और सबमिट कर दीजिए। आपके DSC रजिस्टर्ड हो जाएंगे। लेकिन कभी कभार दोस्तों, आपके DSC और सॉफ्टवेयर सब कुछ अपडेट होने के बाद भी रजिस्टर्ड नहीं हो पाते, या आपका EM साइनर रन नहीं करता, क्यों नहीं करता, ये मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। इस वीडियो को अंत तक देखें कि क्या कारण है कि DSC क्यों नहीं लगते हैं। चलिए दोस्तों, मैंने अभी EM साइनर ऑफ कर दिया है। ये देखिए, दोबारा से मैं आपको दिखाता हूँ। MCA पे लॉगिन करिए, MCA सर्विसेज पे जाइए, एसोसिएट DSC, डायरेक्टर्स में डिन नंबर गिरिए। वो प्रोसीजर आपको मैं दोबारा करके दिखाता हूँ। ये देखिए, तो कन्फर्मेशन अलर्ट फिर दोबारा आ गया क्योंकि मैं प्रोसीजर दोबारा कर रहा हूँ। फिर नाम गिरिए, डेट ऑफ बर्थ, नेक्स्ट करिए। फिर दोबारा वही प्रोसीजर करना होगा क्योंकि अभी मैंने EM साइनर ऑफ कर दिया है, आपका रन नहीं कर रहा है। क्योंकि मेरे को आपको बताना है कि अगर EM साइनर आपके में रन नहीं करता तो क्या कारण हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, देखिए ये लिखा प्लीज़ स्टार्ट अ EM साइनर। तो देखिए दोस्तों, इसमें एक है ना लिंक दिया होता है, अभी इसे मैं दिखाता हूँ आपको। ये रहा, टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल। ठीक है दोस्तों, इस पर जाइए, सिस्टम रिक्वायरमेंट बताएगा आपको क्या क्या सिस्टम रिक्वायरमेंट है।
और कौन कौन से सॉफ्टवेयर आपको रिक्वायर्ड होंगे ईएम साइनर रन करने के लिए। ये देखिए दोस्तों, डाउनलोड्स में जाइए, ईएम साइनर डाउनलोड कर सकते हैं आप। ये देखिए सिस्टम रिक्वायरमेंट आपको बता रहा है, ये डेस्कटॉप ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर 10, क्रोम 49 प्लस, फायरफॉक्स 45 प्लस, ये वेब सॉकेट इंस्टॉलेट बता रहा है, विंडो कौन सी 32 बिट है, 64 बिट है, जावा कौन सा है आपके पास वर्जन। ठीक है दोस्तों, ये आप खुद पढ़ लीजिए और कौन सा पोर्ट चाहिए। 8000 2015 पे चल रहा है। ये देखिए दोस्तों, अगर ये सब आपके पे है उसके बाद भी दिक्कत कर रहा है तो इसमें चाहिए ईएम साइनर डाउनलोड कर लीजिए। मैंने पहले कर रखा है इसलिए मैं दोबारा नहीं कर रहा हूँ इसे। ठीक है दोस्तों, ये प्रोसीजर आपको बताएगा कि क्या रीज़न हो सकता है कि आपका ईएम साइनर रन क्यों नहीं कर रहा है। ठीक है दोस्तों, ये आप पहले पढ़ भी सकते हैं, पढ़ लीजिए। ठीक है, अगर ये सब करने के बाद भी अगर आपका ईएम साइनर रन नहीं करता है और डीएससी आपके ओपन नहीं हो रहे होते हैं तो मैं बताता हूँ आपको फिर क्या करना है। तो दोस्तों, ये सब करने के बाद ये देखिए, इस पर जाइए प्लीज इंस्टॉलर ईएम साइनर। ये देखिए HTTP 1.0.1.2015 से कॉपी कर लीजिए। अब चलते हैं कंट्रोल पैनल पे। जावा के अंदर जाइए, सिक्योरिटी में एडिट साइट लिस्ट में जाइए, ऐड करिए। ये देखिए ऐड करेंगे, यहाँ पे आप टाइप करिए एडिट साइट लिस्ट, यहाँ पे आप टाइप करिए https जो लिंक आपने कॉपी करा है वो सेम टू सेम यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है या टाइप करना है। ठीक है दोस्तों, मैंने पहले कर रखा है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सब आप कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने ही कर दिया, ओके करिए। यह मैं सब कुछ कर चुका हूँ, ये केवल आपके समझाने के लिए मैं दोबारा कर रहा हूँ। ओके करिए, उसके बाद ये आपका उसे सेव कर लीजिए। मेरे को नहीं करना, मैं कर चुका इसलिए मैंने कैंसिल करा। ये सब करने के बाद आपको ईएम साइनर पे जाना है। रन में जाके ईएम साइनर गिरिएगा। ये देखिए ईएम साइनर, ये मैंने कर दिया, ये ओपन हो गया आपका ईएम साइनर। ओके करिए, रन स्टार्टेड सक्सेसफुली। एसोसिएट डीएससी में जाइए, सेम प्रोसीजर आपको फिर दोबारा करना होगा। ठीक है दोस्तों, ये सब मैंने कर दिया है, सिलेक्ट करिए, साइन करिए, पासवर्ड गिरिए। सबमिट करिए, ये देखिए आपका ईएम साइनर रन हो गया है और आपके डीएससी लग चुके हैं। मैंने पहले मेरे लगा चुका हूँ इसलिए मुझे ये मैसेज दे रहा है कि आपके डीएससी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। ठीक है दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि आईएमसीए की साइट पर डीएससी किस तरह लगते हैं या डीएससी लगने में जो दिक्कत आती है उसे कैसे दूर किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा मेरा वीडियो, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।